में बहुत अच्छे कबड्डी खेलते थे, कुश्ती करते तो आप खिलाड़ी भी रहे हो थे। एक, हाँ, खिलाड़ी भी रहे हैं। तो कोई नाम नहीं जीते गुरुदेव? हाँ, हमने बहुत इनाम जीत के लाते थे हम। अच्छा उस गुरुदेव। टाइम क्या जीतते थे, लोटा मिल गया, बाल्टी मिल गई, जग मिल गया। ये इसी तरह हम भी अपना, हमने जब पता चला कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, जी जब शरीर हमारा नहीं है तो परिवार गांव हमारा क्या है, तो हमारा एक ही है कर्म। तो जी वो जो 40 किले हैं, परिवार है, ऐसा ही थी, वो जी हमारे लिए बेकार है। परिवार था उसका 250 एकड़ के आसपास जमीन थी, और 40 एकड़ के आसपास आपके पिताजी का थी शायद। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, अब तुम, हमने थोड़ी बार पहले किया था, जी गुरुदेव, जो 100 किले वाला भी 2 रोटी खाता जी है, गुरुदेव, जी दो गुरुदेव, किले वाला भी 2 रोटी खाता है, जी और गुरुदेव, जिसके पास नहीं है वो भी रोटी खाता जी गुरुदेव, है। अपना क्या है, अपना तो कर्म है। जी गुरुदेव, और इंसान एक जीव लेकर आया है जी गुरुदेव, और नाम लेकर जाएगा। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने, पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल, और एक वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पूरा भारत में, बल्कि भारत में के कनाडा, इंग्लैंड, अमरीका, साधु महात्मा का इंटरव्यू आज हम आप तक करवावेंगे, दिखावेंगे वार्तालाप। आदि नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण। अपना शुभ नाम दर्शकों को बता दोगे गुरु जी? हम श्री पंच दस नाम जुना अखाड़ा 14 मंडी भिवानी परिवार से, नागा बाबा सुभाष गिरी जी महाराज जी, हमारे गुरु जी श्री महंत ब्रह्मलीन श्री महंत बाबा शंकर गिरी महाराज, हम भिवानी डेरा जहरगिरी से हैं तो आप गिरी पंथ से हैं, जी। गिरी पंथ की क्या विशेषता है गुरुदेव? कहाँ देखो, से शुरू हुआ है पंथ, जब न्यू कह करा उत्पत्ति? जी ये 10 नाम हैं, जी गुरुदेव, ये शिव के अंग से उत्पन्न हुए हैं, जी बाहु से गिरी हुए हैं, जी जीवा से सरस्वती हुए हैं, जी ललाट से पुरी हुए हैं। जी तो इसी तरह पूरे शरीर से 10 नाम निकले जी हैं, गुरुदेव, ये 10 नाम में सन्यासी हैं। जी गुरुदेव, तो हम भी, हमारा पंथ गिरी पंथ है, जी गुरुदेव, भारती हैं, गिरी हैं, पुरी हैं, सरस्वती हैं, जी ये 10 नाम हैं। तो 10 नाम अपना एक ही संन्यास मानते हैं। जो प्रथम गिरी साधु है, कहकर उत्पत्ति हर चीज की हो है, निर्माण हो है, प्रथम गुरु गिरी जो है साधु, उनका कहाँ से ये सिलसिला गिरी साधुओं का शुरू हुआ है? ये अपन जी दत्तात्रेय महाराज से, दत्तात्रेय, हाँ, ये सभी दत्तात्रेय के अंशी हैं। हम ही बताता है, हम तो, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने जो लिखा है हमारे किस्मत में, वो ही करना पड़ता है हमें। गुरुदेव, एक बात सुनी है मैंने, जो अपने हिंदू टाइगर फोर्स का भाई है जितेंद्र पंगाल, उन्होंने बताया कि आपका जो परिवार था उसका 250 एकड़ के आसपास जमीन थी, और 40 एकड़ के आसपास आपके पिताजी का थी शायद। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, अब तुम, हमने थोड़ी बार पहले किया था, जी गुरुदेव, जो 100 किले वाला भी 2 रोटी खाता जी है, गुरुदेव, दो बिल्कुल, किले वाला भी 2 रोटी खाता है, जी और गुरुदेव, जिसके पास नहीं है वो भी रोटी खाता है। जी गुरुदेव, अपना क्या है, अपना तो कर्म है। जी ने गुरुदेव, बताया किरण बेदी के बारे में, उन्होंने अपने नाम में इतनी खुशबू भर दी। जी गुरुदेव, इसी तरह हम भी अपना, हमने जब पता चला कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, जब शरीर हमारा नहीं है तो परिवार गांव हमारा क्या है, तो हमारा एक ही है कर्म। तो जी वो जो 40 किले हैं, इंसान के 2 साथी होते हैं, दुख और सुख। लगभग कितनी आयु रही होगी महाराज जी जब आप इस न्यू कह कर हमारी हैं? 35 साल की आयु में हम भीख में आ गए थे। और 35 साल तक गृहस्थ आश्रम में थे आप? हाँ, हम बचपन में बहुत अच्छे कबड्डी खेलते थे, कुश्ती करते तो आप खिलाड़ी भी रहे हो थे। एक, हाँ, खिलाड़ी भी रहे हैं। तो कोई नाम नहीं हाँ, जीते गुरुदेव? हमने बहुत इनाम जीत के लाते थे हम। अच्छा उस गुरुदेव, टाइम क्या जीतते थे, लोटा मिल गया, बाल्टी मिल गई, जग मिल गया, लोटा गिलास बर्तन मिलते थे। तो गुरुदेव
35 साल तक आप गृहस्थ आश्रम में रहे हो या कह कर अगर गृहस्थ जुड़े रहे हो तो शादी भी हो या कुंवारे थे? नहीं, हमने शादी भी की थी। अच्छा, गुरुदेव शादी तो की, बच्चे भी थे। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो फिर बच्चे होने के बाद भी अब हम घर पर रहते जी तो 2 ही बच्चों का पालन पोषण करते जी जी। और जब हमने घर छोड़ा तो पता नहीं कितने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो ईव घर गृहस्थी तक कोई संपर्क है या बहुत दूर चले गए हो? देखो गृहस्थी क्या है, हमने तो नागा साधु हैं, हमारे 12 पिंड होते हैं, भाईचारा मामा फूफी के, और 4 पिंड एक भगवान के होते हैं, तो वो 16 पिंड बनाए जाते हैं। हमारा किसी से कोई नाता नहीं है, हमारे तो किसी से कोई नाता नहीं है, नाते हैं तो 3 नाते हैं, छोटी है तो बेटी है, बराबर की है तो बेबे है, बूढ़ी है तो माई है। नहीं, हमारी कोई चाची ताई, कोई माँ बहन कुछ नहीं है, उस परिवार से तो हमारा कोई नाता भी नहीं है, कोई नाता ही नहीं, क्योंकि हमारा न बैंक खाता है, न परिवार से नाता है, न पैरों में जूता है, न सिर पर छाता है, वही होता है नागा साधु। नागा साधु, नागा साधुओं की विशेषता क्या है गुरुदेव, थोड़ा सा बताना। नागा साधु जैसे साधु तो देखो, साधु मीन साधना का जिसका भाव, वो नाथ भी उसका है, लेकिन नागा हैं और भी हैं जैसे नागा, पूरी नागा साधु एक सेना होती है जी। जब जब धरती पर पृथ्वी पर विकल्प आया है तो तब नागा सेना ही आगे आई। एक और नागा इस बात है कि याद हो रहेगी गुरुदेव बात, ये मोहम्मद गजनवी ने शायद आक्रमण कराया था, तब नागा सेना ने ही साथ दिया था। नागा सेना ने 1000 नागा साधुओं ने नुकाया, मार काट मचा दी थी इस बात मैं हम आज भी कहते हैं। अब कुंभ देखना, कुंभ आता है तो नागा सेना दिखती है, और नागा सेना पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए नागा सेना बनाई। तो गुरुदेव नु कह रहे हैं देखो, साधु जीवन में जब आ जाए तो शस्त्र का त्याग कर दिया, हाँ आपे ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्ञान था वो, हाँ तो फिर शस्त्र का कहा, मेन शस्त्र क्या होता है नागों का और शस्त्र उठाना का, ये दोनों विपरीत बातें होगी। शस्त्र शिव की त्रिशूल है जी, वो नागा का शस्त्र है जी। हनुमान की गदा है जी, वो नागा का शस्त्र है जी। दुर्गे की तलवार है जी, वो नागा का शस्त्र है। तो इसी तरह ये शस्त्र होते हैं। अपने गुरुदेव का नाम एक बार, गुरुदेव जहाँ से आपने दीक्षा ली उनका नाम बताओ। श्री महंत ब्रह्मलीन श्री महंत बाबा शंकरगिरी महाराज हुए हैं, जिन्हों का भिवानी में, पूरे भिवानी में ही आज कोई भी पूछता है तो बाबा को पूछता है, और बाबा एक तो गुरुदेव साथ भगवान हुए जी। गुरुदेव एकदम 35 साल की आयु थी, बच्चे थे, यू मतलब मन इतना न्यू कह करा संन्यास में कुकर एकदम आ गया घूम कर। जब हमने ये पता चला कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, फिर घमंड किस बात का है, जब शरीर ही हमारा नहीं है, आज है कल नहीं है, तो फिर बच्चे का हमारे क्या है, वो तो हमारा जी। गुरुदेव अब भी आप तपस्या कर रहे थे, हम आए थे थोड़ी देर पहले, जेठ है, जेठ तपा करने लग रहे हो, अग्नि की जो तपस्या कर रहे हो, इसने अपना साधु भाषा में क्या कहा है, अग्नि की जो तपस्या कर रहे हैं? ये तपस्या होती है, अग्नि तपस्या होती है, जलधारा होती है, महात्मा अपनी तपस्या में लीन होते हैं। कितने दिन तक लग रहे हो गुरुदेव इस तपस्या में? ये आज 23-24 दिन हो गए होंगे, और ये 41 दिन चलेगी। तो मतलब पूरा जेठ तपोगे? हाँ, और विशाख नहीं, हाँ विशाख और जेठ, जेठ हाँ, जेठ की पाचम को हमारा पूर्ण हो जाएगा भंडारा। कितने पैर की तपस्या करो गुरुदेव? ये 2 घंटे की होती है, एक, अच्छा, एक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, दिन में 2 घंटे ही गर्मी होती है, ताव होता है, अपना शरीर तपाना ही तप कहते हैं जी। इस तप करण का क्या कारण है गुरुदेव? काम क्रोध मद लोभ ये भस्म होते हैं, और महात्मा जब तपस्या करता है तो भगवान भी देखता है कि ये महात्मा तपस्या कर रहे हैं, तो उस नगरी का भी जन कल्याण होता है, वहाँ आरी बीमारी ये नहीं होती।
ये इस बात में सच्चाई है गुरुदेव की, जैसे महात्मा तपस्या कर रहा है और नगरी का कल्याण हो, ये इसीलिए करते हैं। महात्मा तपस्या करते हैं, कोई नौकरी करने के लिए नहीं करते हैं, वो धन इकट्ठा करने के लिए नहीं करते हैं, किसी को शादी करने के लिए नहीं करते हैं, ये तपस्या इसलिए करते हैं कि जन कल्याण के लिए। आपने अब तक की कौन कौन सी तपस्या करी है गुरुदेव? हमने तो जो तपस्या होती है वो ही कर ली है। कैसे? जैसे जैसे माता के नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे होते हैं अंडरग्राउंड में, 9 दिन हम बाहर नहीं आए, और गर्म नवरात्रे होते हैं जो मिट्टी में, 9 दिन मिट्टी में रहे हम, 9 दिन मिट्टी में रहे। हाँ। दम नहीं घुटा गुरुदेव? नहीं, वो तो देव भगवान की लीला है जो हमारे को। अच्छा, ये शिष्य हैं आपके जो चेले हैं, ये बता रहे थे कि आपने छाती पर जोंक जमा लिए थे। हाँ, वो गर्म नवरात्रे बोला ना मिट्टी में, तो हमारे इतने शरीर से नीचे नीचे मिट्टी थी। तो ऐसा नहीं है गुरुदेव, जैसे जो जमा है शरीर पर कोई नुकसान हो, गड़ जाए सकीन अपनी रोर? ना ना, इंसान ऐसे जल्दी नहीं मरता है, ऐसे जल्दी मौत नहीं आती है। ये बोल दिया कि ये वो हो जाएगा, नहीं। हम भी 9 दिन रहे थे, बहुत कठोर तपस्या थी, वो हम जाट बुद्धि वर्ग की, जाट हुआ, जाट कार्तिक का में श्याणा हुआ है, धनुवार जिसी दूध उसी बुद्धि, दूध तो जाट का ही है, महात्मा तो बने हैं, तो क्या बात होगी। ठीक बात है गुरुदेव। तो वो तपस्या होती है, तख्ते लगाए जाते हैं ऐसे, और उन तख्तों के अंदर नीचे अपना आसन लगाया जाता है। हमने पता नहीं था, हमने सीधी खाई बनवाई और मिट्टी डलवा दी, उसमें हमारा सांस भी रुक गया था, और बहुत कठोर तपस्या थी वो। मतलब आपने तो जमा कही करा है मृत्यु का, हमारी जो जननी थी वो मिट्टी डाल गई थी, उसके लिए हम उसी दिन से खत्म थे। उसने जो हमारे को दबा दिया था, लेकिन गुरु जीओ ने निकाल लिया था उस तपस्या। तो परिवार वाले फिर मिलन की भी? वो तालू गांव में हुई थी। हाँ, परिवार वाले ये सभी मिलते, ये हमारे परिवार वाले हैं, अभी यही परिवार हमारा। तालू गांव तो आप गुरुदेव यहाँ कब तक रहे हो, मतलब कौन कौन? यहाँ से तो 5 महीने से आए हम। पहले कहाँ थे गुरुदेव? हम राजस्थान थे, आषाढ़वास थे, वहाँ भी तप किया हम। उससे पहले हम सिसाए थे, उससे पहले हम मोटा वाला गांव में थे, उससे पहले हम बड़म्बा थे, उससे पहले हम फिर राजस्थान में थे। तो इसी तरह कहते हैं ना, बहता पानी और रमता साधु, उसमें क्या पता चल जाता है। एक अच्छा, एक जी गुरुदेव, एक थोड़ा सा ये और असाधुओं में कई बार गद्दी को लेकर भी वो है, तो आपने नहीं कभी सोचे एक जगह बैठ कर गद्दी लिया? देखो, साधु महात्मा कौन होते हैं? महात्मा किसको कहा जाता है? साधु को, मरे हुए को महात्मा बोलते हैं। मन मारे इंद्रिय जीते वो साधु कहलाए। हमारा न तो कोई राशन कार्ड है, न कोई पहचान पत्र है, न कोई आधार कार्ड है, न कोई वोट कार्ड है, हमारा कोई वो नहीं है, सिर्फ अखाड़े का पहचान पत्र है, नागा का। हमने न तो किसी के धन से मतलब है, अपने कर्म से मतलब है। अपना कर्म अच्छा रखोगे तो सब कुछ है। कर्म अगर अच्छा नहीं है, कपड़े पहन लिए, तो महात्मा थोड़ी बनते हैं। फिर ये आप तपस्या कर रहे हो गुरुदेव, आप धूप में उम्र अब एक घंटा धूप में नहीं बैठ सकते, और आप इतना आसपास कर रहे हैं, आग जलाकर अग्नि पर ज्वलित करके छारे लाकर 5-5 6-6 धूने, 6 है या 7 है लगभग, इतने 5-7 तो हैं, 5 धूने हैं। तो आप किस तरह सहन कर लो इस गर्मी में? देखो, जमींदार से ले लो आप शिक्षा, जमींदार काम करता है तो वो धूप में भी करता है, बिल्कुल ठीक बात है गुरुदेव, और सर्दी में भी करता है, बिल्कुल करता है, उसने तो अपना कर्म करना चाहिए। बिल्कुल, जो अपना कर्म करता है ना, वो धूप और सर्दी नहीं देखता। ठीक बात है गुरुदेव। और महात्मा को तो ये पता नहीं चलना चाहिए, गर्मी सर्दी भूख प्यास अपना पराया, इनसे तो महात्मा अलग होता है। अच्छा, एक बात और कह रहे थे जितेंद्र भाई कि आपने 11 साल तपस्या करी, आपके पैर में कीड़े चल गए थे। हाँ, यहाँ चल गए, ये ये इतना इतना में कीड़े चल ये जख्म बहुत, मेरे पैर मोटे मोटे थे।
हमारे को घृणा होती थी लोगों को देखने के, देखते थे जब लोग ये सारे। कौन सी तपस्या करी थी गुरुदेव जी? श्री मुनि। खड़े श्री मुनि लगभग कितनी आयु में करी थी वो? वो मैं शुरू से हमने, जब तक हमने बोलना नहीं आया, बैठना नहीं आया, तो हम खड़े श्री और मौन नहीं करते रहे। इस तपस्या करने के सिद्धि मिला गुरुदेव खड़े श्री को? देखो कोई भी काम करो बगैर रोए तो माँ भी चुच्ची नहीं देती। ठीक बात कर, तो बगैर शरीर पर कष्ट दिए तो भगवान भी नहीं खुश होते। और इससे हमारे को तो बहुत फल मिला है। हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर हर टाइम रहता है, कहीं भी जाए वहीं भी हमारे गुरु का आशीर्वाद है। हमारे गुरु हमारे साथ ही साक्षात साथ रहते हैं। तो 11 साल आप खड़े रहे एक जगह गुरु। हाँ। तो कीड़े जब चल गए थे दुख नहीं हो कर दाओ चाल रहा है नहीं कोई कर रहा है तो बहुत कष्ट हो अपना। अब हमने बताया ना जी। दुख और सुख, भूख प्यास, ये साधु के लिए मान अपमान ये नहीं होते है। उनका जगह वही थी उस टाइम। तो आपके शिष्य ने कभी कीड़े निकालने की कोशिश नहीं करी गुरुदेव? अच्छा जितेंद्र भाई एक बात और कह रहे थे कि मैं एक बार एक कीड़ा उठाने लग गया और आपने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जितेंद्र। भूखा मर जाता, नीचे आ जाता रहा, उसका भोजन तो वही। अब तो तेरा भोजन है जी गुरुदेव। इसी तरह मैं एक दिन एक चिड़िया को बाज पकड़ा था, मैं उसको मारने लगा तो मैंने सोचा जब मैं भोजन मेरी रोटी रखी है और तू उसको हटाएगी तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, तो किसी का भोजन में हटाओ। फिर गुरुदेव कैसे बिना दवाई ठीक हो? वो अपने आप चले गए, अपने आप चले। हाँ। वो मेरे को महात्मा ने बताया कि योगी राज जिसके जीव अपने आप चले जाते हैं उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, अपने आप चले गए। कितने दिन में ठीक हो गुरुदेव पैर? वो 3-4 साल तो हुए। 3-4 साल में ठीक हो। आपने कोई दवाइयां का सहारा लिया या वैसे ही चले गए? ना वो तो अपने आप चले गए, वो दवाइयों का नहीं होता है। तो बबूती चढ़ती है, बबूती से ही दवाई होती है, यही दवाई है, यही कवच होता है। आपका कोई शिष्य भी है या आप अकेले हो गुरुदेव यहाँ? नहीं हमारे शिष्य हैं। वो दूसरे यहाँ माई भी है हमारे शिष्य जी, ये जमुनागिरी महाराज हैं जी जी, राजस्थान के मैन थे ये जी। अब यहाँ गुरुदेव कितने टाइम के लिए स्थायी हो? आगे कुंभ का मेला भी आने लग रहा है 2024 में। और नागा साधुओं की तो खास विशेषता है कि कुंभ का मेला में बढ़ चढ़ कर भाग ले हुए हैं, तो कुंभ का मेला में भाग लेने की इसी की खास रहेगी ओढ़ रवे है एक नागा साधुओं की बिल्कुल वहाँ। वहाँ हमारे जैसे तुम्हारे सरकार है इसी तरह हमारी सरकार अलग है। हमारी गाड़ी के पीछे भी लिखा होगा जुड़ना सरकार जी। हमारी तुम्हारी सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे श्री महंत होते हैं, थानापति होते हैं, कोतवाल होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, सभापति होते हैं, मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं, हमारा हर पद है। तो वो पद लेने के लिए कुंभ में जाते हैं जी। कोई छोटा पद ले रहा है, कोई बड़ा पद ले रहा है, लेकिन वैसे भी जाते हुए क्योंकि जब गंगा मैया अशुद्ध हो जाती है तो उसमें नागा सेना स्नान करती है, उसको शुद्ध करने के लिए नागा साधु गंगा में जाते हैं। तो आपका भी कोई पद है गुरुदेव? यही बे नहीं हम नहीं लेंगे कोई। चंद्रशेखर था एक अपने प्रधानमंत्री हुआ करता था जी, जी, जी। उसने पूरी उसमें कोई पद नहीं लिया, सीधा प्रधानमंत्री का ही पद लिया। उससे पहले बताते हैं लोग कोई पद नहीं था। देवीलाल भी था जिन्होंने प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री का पद भी लिया था, प्रधानमंत्री नहीं लिया था। वो तो देखो प्रधानमंत्री का लायक नहीं थे, क्यों नहीं थे, बोलना नहीं आता, वो थोड़े है अपने उसे थे, बोले थे, त्यागी थे।